ओके हाँ, तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो को होस्ट मैं ही हूँ. घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बट या मैं ही हूँ. रोली नहीं नहीं आज ज़्यादा बोल रहे हो, मुझे पता है ऋत्विक इतनी तारीफ कभी नहीं करता है मेरी. हम दोनों यहाँ पे रेड कार्पेट होस्ट कर रहे हैं आज, और खूबसूरती के बारे में है आज का इवेंट. विमेन की खूबसूरती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग आएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट, बट कुछ ऐसा लाइक सीरियस नहीं है. इट इज़ समथिंग जो सब सेलिब्रेट करेंगे, काफ़ी लाइट है एंड यू नो इट इज़ ऑल हैप्पी. बस एक औरत की खूबसूरती सेलिब्रेट कर रहे हैं सब. जो काफ़ी टाइम से टिकी हुई है, इम्पैक्ट आई थिंक एकता कपूर. इससे ज़्यादा बेटर एग्जांपल मैं क्या दे सकती हूँ. इतने टाइम से वो टीवी को यू नो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और अभी तक उनका जो चार्म है टेलीविज़न में वो ख़त्म नहीं हुआ है, और इंशाल्लाह कभी ख़त्म भी ना हो. बिकॉज़ या एक्ट्रेसेस में देखे जाए तो जेनिफर मेरी फेवरेट है, बिकॉज काफ़ी टाइम से है वो टेलीविज़न में और अभी भी उनके लिए इतना क्रेज़ है. उनके शोज़ आई लव वॉचिंग द शोज़ एंड शी इज़ सो प्रिटी. आई थिंक कम्प्लीट पैकेज है जेनिफर. थैंक यू. आप मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं वैसे कभी कभार, बट हाँ मतलब मेरे हिसाब से जेनिफर है, आपके हिसाब से मैं हूँ, तो थैंक यू सो मच. मेरी ड्रेस ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन बनाया है मेरी फ्रेंड सूर्या ने मेरे लिए, और हाँ बिकॉज लक्स के बारे में है तो ऑफ कोर्स इट्स पिंक. खुद के लिए फ़िलहाल तो मैं एज सच कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ ऐसे ही चलता रहे. होस्टिंग में भी मैं घुस चुकी हूँ, डांस तो कब से शुरू कर चुकी हूँ, एंड कोई अच्छा शो मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू. अवार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए? अवार्ड्स आई थिंक अवार्ड्स मायने रखते हैं, काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, लेकिन मैं कभी उस अवार्ड्स के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुई कि ओ शिट मुझे अवार्ड नहीं मिला. तो हाँ मतलब जब पवित्र रिश्ता कर रहे थे हम लोग तो काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, बट आई एम ओके विद इट. मतलब हाँ ऑफकोर्स मायने रखते हैं. इट इज़ लाइक यू नो आप जब काम करें तो एक मोटिवेशन मिलता है आपको अवार्ड से. आई थिंक जब ये दो साल ख़त्म होने वाले होंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा. मतलब ऑफकोर्स पता चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाएगा, जब भी होगा, बट हाँ अभी दो साल और. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, जब ऐसा दिमाग में आएगा कि चलो कर लेते हैं तो बता देंगे हम. जी हाँ मुझे होस्ट करने दो ना. थैंक यू थैंक यू. अरे एक बहुत ही क्योंकि आप लोगों की आपको आने में मतलब हजार का छुट्टा मिल रहा है आपको? हजार का छुट्टा अभी तक तो फिलहाल मुझे ऐसी कुछ आई नहीं है ज़रूरत. जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मैं सीधा सुपर मार्केट में जाके कार्ड से कर रही हूँ, तो लकीली मतलब वो बैंक के जो इतने लंबे लंबे क्यू सुबह सुबह देखने को मिलते हैं तो वहाँ जाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है. आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप. मतलब आई नो कि वो जो परेशानी लोगों को हो रही है वो मैं फ़िलहाल नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तो शायद मैं ज़्यादा कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप. और जितने भी ब्लैक मनी रखने वाले हैं, ये जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं ये थोड़ा कम होगा, एंड थोड़े दिन की परेशानी है ऑफकोर्स, बट आई थिंक इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री. ओके और क्वेश्चंस पूछोगे आप? जी हाँ.